हेलो एवरीवन। तो आज हम बीबीडी ग्रीन सिटी पे खड़े हुए हैं। ये मेन गेट है और ये गार्ड्स बैठे हुए हैं। एंट्री एग्जिट है। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो लोटस कोर्ट पे है। आज हम यहाँ आए हैं वो एक डिटेल वीडियो बनाने आए हैं बीबीडी लोटस एनक्लेव का, जो 2 और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट है जिनका प्लॉट एरिया 1000 और 1200 स्क्वायर फीट है और जो पॉकेट रेंज आपको फाइनल पड़ती है वो 65 से करीबन 90 लाख रुपए के बीच में पड़ती है। ये फैजाबाद रोड है, सामने ये क्राउन मॉल है जिसमें शॉपर स्टॉप, PVR, पिज़्ज़ा हट जैसे बड़े ब्रांड्स हैं और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो रनिंग स्टेज में हैं। 24 घंटे आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। एक बड़ी बड़ी चौड़ी 60 फीट से ऊपर यहाँ पे रोड्स हैं। इसके अंदर मेट्रो सिटी होलसेल भी है, जैसे आप बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट वगैरह देखते हैं जहाँ पे होलसेल प्राइसेस पे आपको बहुत ही चीपर सामान मिलता है, तो सेम अंदर है टाउनशिप के। ये करीबन 300 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें गोल्फ कोर्स, ग्रुप हाउसिंग, एजुकेशनल फैसिलिटी, मेडिसिनल फैसिलिटी सारी अवेलेबल रहेंगी। फिलहाल बीबीडी के टोटल 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस रोड पे, मतलब इस टाउनशिप के अंदर, इस जो मेन रोड है इस पे लगते हुए सनब्रीज 1, सनब्रीज 2, लोटस कोर्ट और लोटस एनक्लेव। सनब्रीज 1 हैंडओवर कर दिया है, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, जिसमें 13वें और 14वें फ्लोर पे हमारे पास यूनिट आपको खाली मिल जाएगी 3 BHK प्लस स्टोर 3 BHK की, जो करीबन 1700 स्क्वायर फीट के हैं और 70 लाख कॉस्ट है। लोटस कोर्ट की बात करें तो उसमें 2 बेडरूम करीबन 32 लाख रुपये और 3 बेडरूम करीबन 42 लाख रुपये। टॉप फ्लोर की इन्वेंट्रीज कुछ बची हुई हैं। फेज 2 लोटस कोर्ट का जल्दी लॉन्च होने वाला है। विला में बात करें तो लोटस एनक्लेव है जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले दी थी। तो आइए अंदर एक टूर देते हैं आपको टाउनशिप का, साथ ही साथ फैसिलिटीज का और सैंपल विला का। तो ये है विला का एलिवेशन जो आप सामने देख रहे हैं। ये लोटस ही एनक्लेव का पार्क डेवलपमेंट प्रोसेस में है, पार्क बन रहा है। और ये है आपकी फेज़ 2 की लोकेशन जिसमें हमने एक विला बनाया भी था सैंपल के तौर पे, बट अभी फ़िलहाल काम रुका हुआ है। करीबन 3 साल 3.5 साल लगेंगे पोजेशन में ये पूरा एरिया डेवलप होने में। और ये सनब्रीज 1 है, सनब्रीज 2 ये डेवलपमेंट में है, इसमें भी कुछ इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं अंदर। ये बीच में फेज 1 है, सिंगल इन्वेंट्री इसमें नहीं बची हुई है। अगर आप साउथ फेस कहेंगे तो वो भी नहीं बचा हुआ है। और ये करीबन 9 मीटर की रोड है, आमने सामने आपके विलास बने हुए हैं, रो हाउसेस बने हुए हैं। ये है आउटर एलिवेशन विला का। दिस इज़ द एग्जैक्ट एलिवेशन जो विला में ऑफर हो रहा है आपको, स्टील ग्रिल एंड लेटेस्ट मॉडर्न डिज़ाइन के साथ। इसमें ऑफकोर्स अभी गेट लगेगा, बाकी चीज़ें लगना अभी बाकी हैं। ये सामने गार्डन एरिया, ये आपका पोश जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। 2 गेट हैं, एक सीधा आपका डाइनिंग रूम और स्टेयरकेस के पास खुलता है, ये आपका दरवाज़ा मेन डोर है जो ड्राइंग रूम में खुलेगा। ये 1000 स्क्वायर फीट का
प्लॉट एरिया है जिस पर डेवलपमेंट जो है वो करीबन 1400-1500 स्क्वायर फीट में है, 2 BHK बना हुआ है। ये यूनिट फिलहाल 3 BHK की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एंटर करते ही हम डाइनिंग एरिया से एंटर किए हैं और ये एलिवेशन आ रहा है आपका, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, टाइल्स, UPVC विंडो, ये आपका दूसरा वाला डोर था, ये ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ अटैच्ड आपका किचन स्पेस जिसमें CP फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं, ब्लैक ग्रेनाइट टॉप का आपका किचन स्लैब है, एंकर की फिटिंग्स है आपकी, ये एक अच्छी स्पेस इन्होंने निकाल के दी है आपको, पूरा कबर्ड प्लस फ्रिज के लिए, ओवन के लिए, मॉडलर आपको बनवाना पड़ेगा। ये बैकयार्ड स्पेस जिसमें आप वॉशिंग मशीन, यूटिलिटी वगैरह रख सकते हैं। साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ जो इन्होंने एक की वो एक ही कि स्टेयरकेस के नीचे इन्होंने यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया दे रखा है, छोटा सा वॉश बेसिन कंपाउंड एरिया, ताकि जो आपके गेस्ट आपके ड्राइंग रूम में आए वो इसे यूज़ कर पाएँ और आपके कमरे में एंटर ना करें। ये कमरा है, एक आइडियल मैं समझता हूँ 11x10 या 11x12 का साइज़ है। ये कबर्ड स्पेस बहुत ही हैवी दी हुई है जहाँ कबर्ड बना सकते हैं। ये किचन के बैकयार्ड से कि आता है वॉशरूम का एरिया जिसमें पेरीवेयर की फिटिंग्स हैं। ये स्टेयरकेस ऊपर छत तक जाती है आपके। आते हैं तो आप फेज टू में एक छोटा सा चेंज हुआ है, ये जो यहाँ पे गेट लगा हुआ है ये गेट यहाँ ना लग के बिल्कुल लास्ट में पूरा बड़ा सा एक फैमिली लाउंज आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक बेडरूम इधर है जिसमें वुडन फ्लोरिंग दी है, बड़ा सा कांच का डोर व्यू एंजॉय करने के लिए, बहुत ही बड़ा वॉशरूम, बालकनी स्पेस जहां पे रात शाम को अपनी कॉफी एंजॉय करेंगे। और अगर ये यूनिट आपकी पार्क फेसिंग हो तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये दूसरा, इससे अटैच्ड आपका वॉशरूम, ये ऊपर गया है छत की तरफ। तो ये है BBD ऑल टुगेदर। अगर आप मुझे रेट करने को कहेंगे तो क्योंकि प्लॉट एंड विला की टाउनशिप लखनऊ में है ही नहीं, प्लस ऐसी लोकेशन में जहाँ पे 24 घंटे रनिंग आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, मॉल मिल जाए आपके टाउनशिप के सामने, टाउनशिप के अंदर आपको स्टेडियम मिल जाए और मेट्रो होल सिटी मिल जाए, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और सेफ सिक्योर हो जाए, और मात्र 65-80 लाख रुपये की रेंज में। अब तो गोमती नगर के आसपास के जो लोकल डेवलपर्स हैं वो भी 70-80 लाख रुपये में विला बना के बेच रहे हैं, 1000-1200 स्क्वायर फीट, उससे तो लाख गुना अच्छा होगा कि आप ऐसी कम्युनिटी लिविंग मिले। तो आगे फर्दर डिस्कशन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 99199-4401। बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे ही।